हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे टर्निंग रेड मूवी, जहां एक लड़की अचानक से एक रेड पांडा में बदल जाती है और इस वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो अपनी इस कंडीशन से कैसे छुटकारा पाती है। तो मूवी के शुरू में हम मेमे नाम की लड़की को देखते हैं, जो टोरंटो में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो बताती है कि कैसे वो अपनी फैमिली की हर बात मानती है, खासकर अपनी मॉम मिंग की, जिनका नेचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लेकिन मेमे के अपने भी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं और इनके बारे में उसके अलावा सिर्फ उसकी फ्रेंड्स ही जानती हैं, जिनके नाम है मीरियम, प्रिया और एबी। पढ़ने में भी मेमे का कोई जवाब नहीं है और इसी वजह से स्कूल में एक लड़का टेलर उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेमे और उसकी दोस्तों का क्रश है डेविन नाम का एक लड़का, जो पास ही के एक सुपरमार्केट में काम करता है, लेकिन वो उसे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पाती। इनके अलावा उन चारों का एक और ऑब्सेशन भी है और वो है फोर टाउन नाम का एक बॉयज बैंड, जिनसे मिलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्कूल के बाद मेमे का सारा वक्त अपनी फैमिली टेंपल में बीतता है, जहां वो अपनी मॉम के साथ उसकी देखरेख करती है। ये टेंपल उनकी एक एंसेस्टर सनी का है, जिसे वो रेड पांडा के गार्डियंस मानते हैं और सदियों से ये उनके क्लैन की रक्षा करती आ रही है। वहाँ वो टेंपल में साफ सफाई के साथ साथ विजिटर्स को उसका टूर भी करवाती है और उनका घर भी टेंपल के एकदम करीब है। यही हम उसके डैड जीन को देखते हैं, जो बहुत ही शांत और अंडरस्टैंडिंग टाइप के हैं और अक्सर मेमे के दिल की बात समझ जाते हैं। रात को वो टीवी पर फोर टाउन का एक एड देखते हैं, लेकिन उसकी मॉम को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और मेमे भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा लेती है। फिर हम उसे नोटबुक पर कुछ ड्राइंग करते हुए देखते हैं और पता चलता है कि वो खुद को डेविन के साथ इमेजिन कर रही है। तभी अचानक उसकी मॉम वहाँ आती है और उसकी नोटबुक देखकर उन्हें लगता है कि शायद डेविन उसकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत मेमे को लेकर उसकी शॉप पर जाती है, जहाँ टेलर और उसके दोस्त भी मौजूद हैं और डेविन को अपनी बेटी से दूर रहने को कहती है। फिर मेमे के रोकने के बावजूद वो सबको उसकी बनाई ड्राइंग्स दिखाती है और मेमे को इससे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। घर आकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि आगे से वो ऐसा कभी नहीं करेगी। फिर उसे कुछ अजीब से सपने आने लगते हैं और इससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। मिंग उसे नीचे ब्रेकफास्ट पर बुलाती है और तब मेमे देखती है कि वो तो एक क्यूट से रेड पांडा में बदल गई है। ये देखकर वो चीखने लगती है और मिंग को लगता है कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है। वो बाथरूम में उसे दवाई देने आती है और उनसे बचने के लिए मेमे खुद को शावर में छुपा लेती है। तभी मिंग को खाना जलने की स्मेल आती है और इसका फायदा उठाकर मेमे भी तुरंत अपने रूम में आ जाती है। उसे लगता है कि ये सब शायद एक बुरा सपना है और जैसे ही वो लेटकर रिलैक्स करने लगती है, एक एक करके उसके फीचर्स नॉर्मल होने लगते हैं। जल्दी ही वो समझ जाती है कि ये सब उसके इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है और वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। आगे हम उसे स्कूल में देखते हैं, जहां टेलर ने उसकी ड्राइंग के पोस्टर हर जगह लगा दिए हैं और ये देखकर गुस्से में मेमे का शरीर फिर से बदलने लगता है। वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है, लेकिन देखती है कि उसकी मॉम छुपकर उस पर नजर रख रही है। इससे एम्बैरेस होकर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एक बार फिर रेड पांडा में बदल जाती है, लेकिन लकीली उसकी मॉम के अलावा इसे कोई नहीं देख पाता। वहाँ से भागते हुए वो वापस घर आती है और जिन मिंग से कहता है कि अब इसे सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। वो लोग उसे लेकर टेंपल में जाते हैं, जहाँ मिंग उसे बताती है कि हमारी एंसिस्टर सनी को रेड पांडा बहुत पसंद थे और वो खुद भी उनके जैसा बनने की मन्नत मांगती थी। फिर एक दिन उनके राज्य में एक वॉर छिड़ गई और सनी को अपनी और अपनी बेटियों की चिंता होने लगी। तब रेड मून वाली नाइट को गॉड ने उनकी मन्नत पूरी कर दी और उसे वरदान दिया कि वो अपने इमोशन को यूज करके एक रेड पांडा में बदल सकती है। सनी की इस पावर ने उनके साथ साथ उनके राज्य को भी सुरक्षित कर लिया और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी ये शक्ति उनकी फैमिली को मिलती आ रही है। मेमे को ये सुनकर अपने सिस्टर पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके लिए ये वरदान एक श्राप बनता जा रहा है। तब मिंग उसे बताती है कि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ और हमारे पास इसे रोकने का तरीका भी है। फिर वो उसे एक रिचुअल के बारे में बताती है, जिसमें रेड मून वाली नाइट को वो पांडा की आत्मा को एक लॉकेट में सील कर देंगे और इससे मेमे नॉर्मल हो जाएगी। जिन देखता है कि अगला रेड मून 25 तारीख को आने वाला है, जिसमें लगभग एक महीने का टाइम है और तब तक उन्हें मेमे को बचा कर रखना होगा। वो लोग उसके रूम में कुछ चेंजेस करते हैं ताकि उसे चोट लगने से बचा सके और मेमे अपनी इस हालत से बहुत दुखी होती है। आगे वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी फ्रेंड्स के वहाँ आने से उसका पांडा वाला राज खुल जाता है।
वो किसी तरह उन्हें समझाकर शांत करती है और बताती है कि इससे उसकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी है। फिर वो एबी से फोर टाउन के बारे में पूछती है, जो बताती है कि उनका कॉन्सर्ट 18 को होने वाला है, यानी रिचुअल से 7 दिन पहले। और ये सुनकर मेमे को बहुत दुख होता है। तब उसकी फ्रेंड्स उसे अपने पुराने तरीके से चेयर करती है और मेमे एक बार फिर नॉर्मल हो जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि अब वो अपने इमोशंस पर अच्छे से कंट्रोल कर पा रही है और शायद ये उसकी फ्रेंड्स की वजह से है। मीरियम को लगता है कि अब उन्हें कॉन्सर्ट में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो सब अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने का प्लान करते हैं। मेमे अपने मॉम के बनाए कुछ टेस्ट को पार करती है, जिससे उन्हें भी लगता है कि अब वो पहले से बेहतर हो गई है, और इसका फायदा उठाकर मेमे उनसे कॉन्सर्ट में जाने की परमिशन मांगती है। लेकिन मिंग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और कहती है कि तुम्हें इन बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही मिंग को अपनी मॉम का फोन आता है, जो रिचुअल के वक्त मेमे के साथ रहना चाहती है, और ये सुनकर मिंग परेशान हो जाती है। उधर पता चलता है कि मेमे के दोस्त भी अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं ले पाई हैं, और ये सुनकर वो सब फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। यहाँ एबी को खुश करने के लिए मेमे अपना रूप बदलती है, लेकिन तभी वहाँ स्कूल की कुछ दूसरी लड़कियाँ आ जाती हैं। वो इतने क्यूट से पांडा के साथ सेल्फी लेना चाहती हैं और इसके लिए वो उन्हें पैसे भी ऑफर करती हैं। ये देखकर उन चारों को एक आइडिया आता है और मेमे की पावर यूज करके वो स्कूल के बच्चों से पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। अपनी मॉम से वो एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाती है और वो भी उसकी इस चालाकी को नहीं पकड़ पाती। वैसे तो उनका ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन मेमे देखती है कि अभी भी टिकट के पैसों में $100 कम है। तभी उनसे मिलने टेलर वहाँ आता है, जिसके पास उनके लिए एक अच्छा ऑफर है। वो रेड पांडा को अपने बर्थडे पर बुलाना चाहता है और इसके बदले वो उन्हें $200 देगा। मेमे अपनी फ्रेंड से कंसल्ट करती है और कुछ सोचकर वो उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाम को वो क्लास का बहाना बनाकर टेलर के घर जाने लगती है, लेकिन देखती है कि उसकी मॉम भी उसके साथ आ रही है। मेमे उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है और तभी वो देखते हैं कि नानी फ्रेंड्स को लेकर रिचुअल में पार्ट लेने आई है। वो सब मेमे को घेर लेती हैं और उसे समझाती हैं कि ये रिचुअल उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पता चलता है कि मिंग एक बार अपनी माँ को घायल कर चुकी है और इसी वजह से उनके रिलेशंस बिल्कुल ठीक नहीं है। उधर टेलर और बाकी बच्चे मेमे का वेट कर रहे हैं और उसे लगता है कि शायद मेमे उसे धोखा दे गई है। मेमे भी चुप कर घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके रूम में उसकी नानी आ जाती है। वो मेमे को पांडा के कुछ बाल दिखाती है और उसे वॉर्न करती है कि तुम्हें बार बार अपने रूप को नहीं बदलना चाहिए, वरना पांडा तुम्हारे मन पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। वो बताती है कि तुम्हारी मॉम और मेरा रिश्ता भी एक पांडा ने ही बिगाड़ा था और मैं तुम्हें उस प्रॉब्लम से बचाना चाहती हूँ। आगे हम मेमे को टेलर के घर पर देखते हैं, लेकिन वो वहाँ एक नकली पांडा बनकर गई है। टेलर को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे अपनी डील को तोड़ने की बात करता है। मेमे की फ्रेंड्स को भी कुछ समझ नहीं आता और तब वो उन्हें बताती है कि मैं पांडा को किसी कारण से बाहर नहीं ला सकती। इससे उनका कॉन्सर्ट में जाने का सपना टूट जाता है और उन्हें उदास देखकर मेमे आखिरी बार पांडा बनने को तैयार हो जाती है। फिर वो लोग वहाँ खूब मस्ती करते हैं और इधर मिंग मेमे को चेक करने उसके रूम में आती है। यहाँ उसे कुछ मर्चेंडाइज और टेलर की पार्टी का पोस्टर दिखाई देता है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी उसे धोखा दे रही है। उधर वो चारों कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन तभी रेडियो से उन्हें पता चलता है कि कॉन्सर्ट 18 को नहीं बल्कि 25 को होने वाला है और ये सुनकर मेमे परेशान हो जाती है, क्योंकि उसी दिन उसका रिचुअल भी है। टेलर उसे नीचे आकर सबको पांडा राइड देने को बोलता है और फ्रस्ट्रेट होकर मेमे उस पर अटैक कर देती है। तभी उसे ढूंढते हुए मिंग वहाँ आती है और देखती है कि मेमे काबू से बाहर हो चुकी है। वो इन सब के लिए उसकी फ्रेंड्स को जिम्मेदार बताती है और मेमे चाहकर भी उन्हें डिफेंड नहीं कर पाती और अपनी मॉम के साथ वापस घर आ जाती है। अगली रात उसकी फ्रेंड्स स्टेडियम में वो कॉन्सर्ट देखने जाती हैं और इधर मेमे की फैमिली अपने रिचुअल की तैयारी करती हैं। सामान रखते हुए उसके डैड को मेमे का वीडियो कैमरा मिलता है और वो देखते हैं कि उसने कॉन्सर्ट में जाने के लिए कितनी मेहनत की है। वो उसे समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह बहुत जिद्दी थी और नानी से उनकी लड़ाई भी मुझे ही लेकर हुई थी। वो उसे अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करने को कहते हैं और मेमे भी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। तभी मिंग वहाँ आकर उसे बाहर ले जाती है, जहाँ उनका हीलर मिस्टर गाओ उसे एक सर्कल में खड़े होने को बोलता है। मेमे उसे इन मंत्रों के बारे में पूछती है और गाओ बताता है कि इसका कोई खास मंत्र नहीं है और तुम कोई भी ऐसा म्यूजिक यूज कर सकते हो जो तुमने दिल से गाया हो।
फिर वो उसे उस म्यूजिक पर ध्यान लगाने को कहता है और रेड मून के पूरा होते ही मेमे का शरीर हवा में उड़ने लगता है। फिर गाओ उस पर अपने एक एम्यूलेट की पावर डालता है और ये मेमे को सनी की दुनिया में ले जाती है। वहाँ सनी एक बड़ा सा मिरर बनाती है जिसे पार करके ही मेमे पांडा स्पिरिट को कैद कर सकती है। मिस्टर गाओ उसकी स्पिरिट को ट्रैप करने की कोशिश करता है लेकिन तभी अचानक मेमे को पांडा के साथ बिताए वो पल याद आते हैं और वो एक बार फिर उसे अपने अंदर समा लेती है। उसकी फैमिली ये देखकर परेशान हो जाती है और तब मेमे उन्हें बताती है कि मैं इसे खुद से अलग नहीं कर सकती और ये कहकर वो स्टेडियम की ओर जाने लगती है। मिंग और बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में मिंग की पांडा वाली सोल का एम्यूलेट टूट जाता है। नानी और बाकी लेडीज इसका जिम्मेदार मिंग को ही बताती हैं और इमोशंस ओवरफ्लो होने के कारण मिंग की पांडा स्पिरिट बाहर आ जाती है। उधर मेमे किसी तरह कॉन्सर्ट वाले स्टेडियम तक आती है और अपनी फ्रेंड से पुराने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तभी वो लोग टेलर को भी वहाँ देखते हैं और पता चलता है कि वो भी फोर टाउन का बहुत बड़ा फैन है। आगे हम उन्हें कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हुए देखते हैं और उधर मिंग पांडा के रूप में स्टेडियम की ओर बढ़ने लगती है। वहाँ सब लोग इतने बड़े पांडा को देखकर डर जाते हैं और मेमे भी समझ जाती है कि ये उसकी मॉम है। उसकी बाकी फैमिली भी वहीं आ जाती है और उसके डैड बताते हैं कि हमें उस रिचुअल को दोबारा से करना होगा। तभी मिंग मेमे को पकड़ लेती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। वो वहाँ स्टेडियम में बहुत तबाही मचाती है और ये देखकर मेमे को भी गुस्सा आ जाता है। पहली बार वो अपनी मॉम को अपने इंटेंशंस के बारे में बताती है और कहती है कि अब आप मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुनकर मिंग गुस्से से पागल हो जाती है और नानी समझ जाती है कि उन्हें रिचुअल को तुरंत शुरू करना होगा। वो अपनी फ्रेंड्स को तुरंत अपनी पोजीशन लेने को बोलती है और मेमे से मिंग को बिजी रखने को कहती है। उसके डैड स्टेडियम में सर्कल बनाने लगते हैं और मिस्टर गाओ रिचुअल शुरू करने के लिए एक ऊंची जगह चले जाते हैं। फिर वो लोग अपना गाना शुरू करते हैं लेकिन देखते हैं कि उनकी आवाज़ बहुत कम है और मीरियम फोर टाउन बॉय से मदद मांगने जाती है। इधर मेमे और उसकी मॉम में बहुत बहस होती है और इसी वजह से गुस्से में वो उन्हें सर्कल से बाहर गिरा देती है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो बेहोश पड़ी अपनी मॉम को वापस खींचने की कोशिश करती है। ये देखकर नानी और उसकी दोस्त भी अपने पांडा रूप में आ जाती हैं और वो सब मिंग को वापस सर्कल में ले आते हैं। इधर मेमे के दोस्त और फोर टाउन भी अपना गाना शुरू करते हैं और गाओ अपनी पावर से सभी पांडास को दूसरी दुनिया में ले जाता है। वहाँ मेमे अपनी मॉम को रोते हुए देखती है जिन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो इन सब के लिए मेमे से माफी मांगती है। फिर मेमे उन्हें लेकर उस मिरर के पास आती है जहाँ उनकी बाकी फैमिली उनका वेट कर रही है और वहाँ मिंग और उसकी मॉम के बीच भी सुलह हो जाती है। फिर एक एक करके सभी अपनी पांडा स्पिरिट्स को रिलीज करती हैं और मिंग मेमे से भी ऐसा ही करने को कहती है लेकिन मेमे कहती है कि फाइनली उसने इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकती। मिंग भी उसकी बात समझ जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। तभी उससे मिलने सनी वहाँ आती है और पांडा स्पिरिट में बदल कर मेमे को आशीर्वाद देती है। आगे हम मेमे और उसकी मॉम को टेम्पल में देखते हैं जहाँ वो एक बार फिर विजिटर्स को ग्रीट कर रही हैं। पता चलता है कि वो स्टेडियम को ठीक करने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें उसके डैड भी उनकी मदद करने लगे हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि उसकी मॉम का नेचर भी पूरी तरह बदल चुका है और अब उसमें और मेमे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। फिर मेमे अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकल जाती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है।